हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और सर्दियों में अलग अलग डिशेस का आनंद ले रहे होंगे। तो आज यहाँ मैं बात कर रही हूँ सर्दियों के कुछ फेवरेट अचार बनाने की, जिसमें कि है आंवले का अचार, गोभी, गाजर, मूली और हरी मिर्च का अचार, जो कि मिनटों सेकेंटों में बन जाता है बिना धूप लगवाए, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, विटामिन सी होता है और ये सैलेड में भी खाए जा सकते हैं और हमारी हेल्थ के लिए हमारे इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने मंगाए हैं लगभग 250 ग्राम के करीब आंवले और ये थोड़े बड़े साइज के हैं, छोटे मुझे मिले नहीं। अगर छोटे होते तो ज़्यादा बेस्ट था। और अब मैं इन्हें अच्छे तरीके से धो लूँगी और फिर इसके ऊपर का और नीचे का हिस्सा कट करके निकाल दूंगी। और अब मैं इसको ऐसे इसका ये वाला हिस्सा निकाल दूंगी और फिर इसे कुछ इस तरीके से चाकू से मैं इसमें थोड़े से छेद कर लूंगी ताकि इसमें नमक मिर्च मसाला अच्छे तरीके से भर जाए। और अगर कहीं कोई ज़्यादा दाग वगैरह हो तो उसे भी हटा दें, क्योंकि अचार फिर तभी काफ़ी टाइम तक चलता है। और बस इसी तरीके से मैं सभी आंवलों को कर लूँगी और फिर इसके आगे मैं दिखाती हूँ कि इसका क्या करना है। और अब इसको मैंने बॉईल करना है तो उसके लिए मैं डाल दूँगी इसमें पानी। पानी इतना डालूँगी कि डूब जाएं, कुछ इस तरीके से। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार थोड़ा डालना है, क्योंकि हमें बाद में भी इसको फ्राई करते समय डालना होगा, इसलिए कम सा मैंने नमक डाल दिया है। और अब इसको मीडियम फ्लेम पर हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं। और अब हम ये देखेंगे कि हमारे आंवले फट चुके हैं इस तरीके से, तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे अब हम छान लेंगे ताकि इसका पानी अलग हो जाए और आंवले अलग हो जाएं। आंवले हमारे लगभग सारे इस तरीके से गल चुके हैं। इन आंवलों को अब मैंने छान लिया है और पानी अलग कर लिया है और अब हम कुछ इस तरीके से इनको तोड़ लेंगे और इनकी गुठलियां अलग कर लेंगे और इसकी फांके अलग कर लेंगे। इस तरीके से सारी इसकी फांके अलग कर ली हैं, गुठलियाँ इसमें से अलग कर दी हैं और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो इसको धूप पर भी रख सकते हैं कि जहाँ इस पे डस्ट ना पड़े, और नहीं तो पंखे के नीचे रख दें, नहीं तो कुछ घंटों के लिए ऐसे ही इसको सूखने के लिए रख दें। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। आंवले का अचार बनाने के लिए अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं या रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और साथ में डालेंगे राई, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और अचारों का बेस ही खासकर यही होता है। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि पहले नमक हम डाल चुके हैं, और थोड़ी सी हल्दी, साथ में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और अब जो हमारे आंवले ठंडे हो चुके हैं अब हम उन्हें वो डाल देंगे और अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम हम अब लो कर देंगे। और आंवले हमारे पहले गले हुए हैं तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और इसको अच्छे तरीके से चलाते जाएंगे। और फिर मैंने 4-5 डाल दी हैं लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्चें, और ये मिर्चें ज़्यादा तीखी नहीं हैं, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। और हमने इनको तब तक चलाना है जब तक ये काफ़ी ड्राई ना हो जाए, और फिर इस स्टेज पे आके हमने गैस ऑफ कर देनी है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो इस तरीके से ये हमारा आंवले का बिना धूप लगे चटपटा तीखा अचार हो गया है तैयार। और अब आप इसे फ्रिज में रख कर 1 हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ।
अगला अचार हम बनाने वाले हैं मूली का, गाजर और हरी मिर्च का। ये अचार सैलेड की तरह भी खाया जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। और हम इसके लिए मूली, गाजर और हरी मिर्च अपने हिसाब से ले सकते हैं। इन्हें धोकर और साफ़ करके मैंने काट लिया है और इन्हें मैंने धूप नहीं लगवाई है, इनको अच्छे तरीके से मैंने पोंछ लिया है। और इनके टुकड़े आप गोल या लंबे कर सकते हैं, जैसे आप खाना चाहें। इस अचार को बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई लूंगी और अब मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल को अब मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था और अब उसको ठंडा होने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ। और फिर इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके और उसमें राई डाल दूंगी और फिर डालूंगी सबसे पहले इसमें कटी हुई हरी मिर्चें। ये ऐसे मिर्चें जब हम ड्राई कर रोस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, डीप फ्राई करते हैं तो। और फिर इसमें स्वाद अनुसार डालूंगी मैं नमक और हल्दी, रूटीन मसाले सारे ही इसमें डलने हैं अपने अपने स्वाद अनुसार। थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च कलर के लिए और थोड़ा सा सूखा धनिया मैंने डाला है। इस अचार में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है और अब डलेगा काली मिर्च पाउडर और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। और अब इसमें मैंने डाल दी हैं सारी गाजर और मूली और अब इनको स्लो फ्लेम पर हल्का सा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, इतना पकाना है कि इसमें से जो पानी है वो इसका सूख जाए, ताकि ये अचार हमारा लॉन्ग टाइम तक रहे। और ये अचार ऐसा है कि आप इसको सैलेड टाइप में भी खा सकते हो और फ्रिज में स्टोर करके लगभग 10 दिन के लिए आप इसको रूटीन में यूज़ कर सकते हो। और ये बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा, ये अचार बहुत ही अच्छा है। और सर्दियों में इसे ज़रूर बना के खाएं, क्योंकि इनको धूप भी नहीं लगवानी पड़ती और ये बहुत कम टाइम में बनने वाले इंस्टेंट अचार हैं। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून विनेगर, जिससे इसमें थोड़ा सा खटास भी आ जाएगी और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। और अब इसमें मैंने डाला है जितना भी आप डाल सकते हैं किसी भी अचार का बचा हुआ चूरा। यहाँ मैंने आम के और मिर्च के अचार का बचा हुआ चूरा डाल दिया है इसमें लगभग 3 टेबल स्पून के करीब। तो ये हो गया हमारा सलाद वाला अचार गोभी, गाजर और मिर्च का। इसको भी आप फ्रिज में स्टोर करके काफ़ी दिन तक खा सकते हैं। तो इस सर्दी आप बिना धूप के चटपटा तीखा रंगीन अचार बनाइए। एक बार इन रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।